हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जैसे हमारे भाई हमारे पास ये कमेंट्स आ रही है, मैं आपको दिखा दूं। ये भैया हैं हमारे पास, ये कह रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स अपलोड पर वीडियो बनाएं। तो मैं इन्हें बता दूं कि मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना के दिखाऊंगा कि आप मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके दिखाऊंगा कि आप किस चीज के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे। तो मैं यूसीएल मैंने अपना लॉगिन कर लिया है और कस्टमर के या अपने घर के किसी सदस्य के मैंने थंब से अपना यूसीएल लॉगिन कर लिया है। तो मैं बाकी चीजें नहीं दिखाऊंगा, बाकी चीज तो आप आसानी से कर लेंगे। मैं आपको डॉक्यूमेंट स्कैन करके बताता हूँ। आपको जैसे किसी कोई बर्थ डेट ऑफ बर्थ ठीक कराने के लिए आता है, तो डेट ऑफ बर्थ आप किस किस चीज से कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। सबसे पहले नंबर के ऑप्शन पे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, ओरिजिनल बर्थ सर्टिफिकेट लें, कलर कॉपी ही लगाएं, ब्लैक एंड व्हाइट कोई भी कॉपी स्कैन ना करें, आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मार्कशीट होती है, मैं आपको बता दूं कि जो फेल वाली मार्कशीट होती है वो हाफ वाली मिलती है। मैं आपको एक बार गूगल पे जाके दिखा देता हूं। मैं आपको फेल वाली मार्कशीट कैसी होती है मैं आपको दिखा दूं। उसमें आपको केवल एक साइड की ही कॉपी मिलती है, मतलब हाफ मिलती है। उसमें केवल कस्टमर इंफॉर्मेशन रहती है। और देखिए नेट बहुत स्लो चल रहा है जिसकी वजह से खुल नहीं पा रहा है। तो आप सभी ने देखी होगी फेल की मार्कशीट जो होती है हाफ रहती है, आप उससे डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि ओरिजिनल ही स्कैन करनी है और उसकी क्या कहते हैं उसका नाम और जो उसके आधार कार्ड में नाम है दोनों सेम होने चाहिए तभी आप उसे अपलोड करें, अन्यथा बिल्कुल अपलोड ना करें, आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद मैं आपको बता दूं जैसे कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो अभी हमारे नए वीएलई हैं जो आधार पर कार्य कर रहे हैं, उन्हें शायद नहीं पता है कि सेकंड साइड से कैसे स्कैन होगा। मुझे कमेंट्स में लिखा है एक भाई कह रहे हैं कि दूसरी साइड से कैसे स्कैन होगा। मैं उन्हें भी बता दूं, मैं लगभग एक डेमो बनाया हुआ है मैंने जो आपको मैं स्कैन करके दिखाता हूँ। जैसे आप हाई स्कूल की मार्कशीट या अन्य कोई भी मार्कशीट हो जिससे आप नाम सही करना चाहते हैं, तो उसका मार्कशीट के नाम से कोई ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे मैंने बर्थ सर्टिफिकेट या बर्थ प्रूफ का मैंने ऑप्शन खोल रखा है, जैसे मैं इसमें मार्कशीट लिखूंगा तो देखिए मार्कशीट इशू बाय एनी गवर्नमेंट बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी। तो यहाँ सारा हम डेट ऑफ बर्थ सही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि हमें मार्कशीट से किसी का नाम सही करना है तो हम कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, तो आप आ जाइए आइडेंटिटी प्रूफ में। आइडेंटिटी प्रूफ में आने के बाद आपको यहाँ लिखना है फोटो, फोटो लिखना है। फोटो के लिखने से देखो फोटो के नाम से जो भी आईडी आप आ जाइए, आपको यहाँ पर आ जाना है। जैसे आप यहाँ पर आएंगे तो मेरे पास एक डेमो है जिसे मैं आपको स्कैन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आने के बाद आपको यह ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है अगर आप मार्कशीट से रेसिडेंट का नाम ठीक करते हैं। तो मार्कशीट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर स्कैन पर क्लिक कर देना है। स्कैन पर क्लिक करने के बाद देखिए मैंने एक डेमो बनाया हुआ है जो मैं स्कैन करके दिखा रहा हूँ। और आपको कलर डॉक्यूमेंट स्कैन करना है और स्कैन करते समय या कोई भी अपडेट करते टाइम आपको कस्टमर का नाम, अगर वो अपना नाम ठीक करा रहा है तो फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ मैच करने की कोशिश करें। अगर वो फादर्स नेम सही करा रहा है तो अपना उसका नाम और उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है मैच करने की कोशिश करें। देखिए मैंने जैसे डेमो बनाया है, नाम के लिए किसी भी बोर्ड की मार्कशीट जिसमें फोटो साफ हो स्कैन कर सकते हैं और आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक कर देना है। जैसे ये सेव पर क्लिक करेंगे तो ये डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। और कुछ भैया कह रहे थे कि दूसरी साइड से कैसे स्कैन होगा, मैं आपको बता दूं कि इसी के बराबर में आपको दिख रहा है, इसे आप यहां इसके बराबर में दिख रहा है स्कैन टू नेक्स्ट पेज, आपको यहां से उसका सेकेंड पेज स्कैन कर लेना है। तो जैसे ये मैंने डेमो बनाया है, आप जैसे इसे सेव पर क्लिक करेंगे, हालांकि मैं आधार सबमिट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको डेमो दिखा रहा हूँ कि जैसे हम आप इसे सेव पर क्लिक करेंगे जैसे सेव पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने डॉक्यूमेंट्स सेव होने लगेगा और प्लीज वेट का ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखिए मैंने मार्कशीट से जिसमें फोटो हो, हाई स्कूल की हो या इंटर की हो या कोई अन्य बोर्ड की जो भी मार्कशीट हो जिसमें फोटो साफ क्लियर हो, उसका आइडेंटिफाई हो पाए कि वो वही व्यक्ति है जिसका जो आधार में अपना नाम ठीक करा रहा है। तो आप इस तरीके से देखिए राइट का निशान आ गया, आप यहाँ से इसे सेव कर सकते हैं। आप कोई भी गलत डॉक्यूमेंट्स ना लगाएं क्योंकि मैं इसे सबमिट नहीं कर रहा हूँ, केवल आपको डेमो दिखा रहा हूँ।
और अगर आपको किसी का नाम से ही करना है तो आप पैन कार्ड यहाँ पर दिख रहा है, आपको पैन कार्ड से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पासपोर्ट से भी कर सकते हैं, या अन्य जो भी इसमें लिस्ट में आईडी दी हुई है उससे कर सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि यूआईडीआई फॉर्मेट में कुछ लोग कुछ अदर अदर ऑप्शन सेलेक्ट करते थे, लगभग वो अब तो बंद हो गया है। फिर भी अगर आप करना चाहें तो आप, अगर उसकी कंडीशन अगर अप्रूव होती है, कस्टमर अगर लेके आता है, उसमें स्टैम्प क्लियर होना चाहिए, उसमें उसका फोटो क्लियर होना चाहिए, फोटो क्रॉस सिग्नेचर और स्टैम्प क्रॉस होना चाहिए, उसकी सारी डिटेल हाथ से भरी हुई होनी चाहिए, सभी कंडीशन अप्रूव होती हैं तो आप उसे लगा सकते हैं। पर हालांकि मुझे लगता है कि सभी ने उसे लगाना बंद कर दिया है, तो आप यहाँ पर इस ऑप्शन पे जाके अगर स्कूल का प्रमाण पत्र है तो उससे डेट ऑफ बर्थ या नाम सही कर सकते हैं। अगर जैसे किसी का एड्रेस ठीक करना हो तो आप उसकी वोटर आईडी सिलेक्ट करके, या डीएल उसका हो गया, या टू साइड वाली वोटर आईडी सिलेक्ट करके, मेरे पास डेमो है, मैं उसे स्कैन करके दिखा देता हूँ आपको। आपको वह स्क्रीन पर रख देना है अपनी मशीन की और स्कैन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए मेरे सामने की स्क्रीन जनरेट होगी, जैसे ही आपके सामने होती है तो आप उस तरीके से उसे स्कैन करके सेव कर सकते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है, इसमें एक दिक्कत हो गई है, पहले डॉक्यूमेंट स्कैन होता था तो स्क्रीन पर प्रोसेस का एक साइन क्लिक होता रहता था कि दिखता रहता कि हमारे डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहे हैं, पर जब से न्यू अपडेट इसमें आया है तो डॉक्यूमेंट स्कैनिंग का पता नहीं चलता कि डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो जैसे ही मैंने एक डेमो बनाया हुआ है, केवल ये डेमो है, आप इसका यूज ना करें। देखिए जैसे मैंने, मुझे फ्रंट साइड मुझे स्कैन करना था तो मैंने गलती से बैक साइड स्कैन कर दिया है, मैं फिर से बैक करता हूँ और यहाँ से आप काट सकते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट गलत आपका स्कैन हो गया है, या उल्टा स्कैन हो गया है, या पूरा नहीं आया है, तो आप यहाँ से इस क्रॉस के साइन से आप यहाँ से काट सकते हैं। यहाँ से मैं देखो बैक कर देता हूँ और फिर से मैं वोटर आईडी, या आप यहाँ डीएल ले लीजिए, ड्राइवर लाइसेंस ले लीजिए, ड्राइवर लाइसेंस इस पे स्कैन करेंगे तो ड्राइवर लाइसेंस का जो फ्रंट पेज होता है, फ्रंट साइड जो होती है, अगर आप उसका उसमें नाम सही कर रहे हैं तो उसके फादर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ का मैच करें। अगर उसमें डेट ऑफ बर्थ सही कर रहे हैं, हालांकि डीएल से डेट ऑफ बर्थ सही होती नहीं है, या फिर मतलब जो भी चीज सही कर रहे हैं कस्टमर की, आधार कार्ड में दो तीन चीजें होती हैं तो दो चीजें तो मैच कर लें। देखिए फ्रंट साइज हो गया है, डीएल या वोटर आईडी या सरकार की कोई भी अन्य गवर्नमेंट आईडी जो अदर में आती हो, फ्रंट साइज हो गई। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पहचान पत्र स्कैन किया है या ड्राइवर लाइसेंस स्कैन किया है, हम उसकी दूसरी साइड स्कैन करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी स्क्रीन अपनी स्कैनर में जाके उस आईडी को दूसरी साइड से रखना पड़ेगा और फिर नेक्स्ट स्कैन नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही आप स्कैन नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने देखिए जैसे स्कैनिंग डॉक्यूमेंट प्रीग्रेड ये यहाँ पर आ रहा है, वो बाहर नहीं आता है कि डॉक्यूमेंट स्कैन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो हमारे आईडी की दूसरी साइड स्कैन हो रही है, आप देख सकते हैं मैंने ये डेमो बनाया है, बैक पेज डीएल वोटर आईडी या अन्य अदर कोई भी आईडी। जैसे आप यहाँ पर सेव क्लिक सेव सेव करेंगे तो आपके सामने यह डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट्स सेव करके या दोनों साइड से स्कैन करके आप कर सकते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप नाम और कस्टमर का फादर्स नेम या एड्रेस आप एक साथ मतलब एक ही आईडी से कर रहे हैं तो उसमें स्कैन होने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अगर आप ऊपर से मान लीजिए पासपोर्ट से अगर आप उसका नाम, उसकी डेट ऑफ बर्थ और उसका एड्रेस सही करते हैं तो आपको तीनों बार पासपोर्ट स्कैन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो एक बार में ले लेगा, जैसे ड्राइवर लाइसेंस में ले लिया है। तो आप अगर मुझसे किसी अन्य चीज पर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी वीडियो बना पाऊं। हालांकि यूसीएल दिन रात में चलता नहीं है और दिन में बहुत शोर शराबा है, आप भी सुन रहे होंगे, बैकग्राउंड से आवाजें आ रही हैं, मैं फिर भी आपको वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप मुझे किसी चीज पर वीडियो बनाना चाहते हैं तो वो बनवा सकते हैं, अभी जैसे कमेंट्स मेरे पास आई के डॉक्यूमेंट स्कैन पर वीडियो बनाए तो आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। मैं कैनन का प्रिंटर है G3020 यूज करता हूँ और उसकी वाईफाई से डॉक्यूमेंट स्कैन करता हूँ जो बेस्ट क्वालिटी में आता है, और आप इस तरीके से डॉक्यूमेंट स्कैन कर सकते हैं। जैसे नाम के लिए मैंने बता दिया, नाम में बहुत इशू रहता है कि मार्कशीट से नाम सही करें तो कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करें, मैं यही ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और मेरे आधार अपडेट हो जाते हैं। अगर आपको कोई अन्य डॉक्यूमेंट बेहतर लगता है तो आप मुझे कमेंट्स करें, या जिससे आप करते हो तो करें। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपके स्नेह से, आपके प्यार से मेरा चैनल मोनेटाइजेशन होने होने के लिए मैंने अप्लाई कर दिया है, जो कि अभी अप्लाई अप्रूव नहीं हुआ है किसी कारण की वजह से। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।